कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल के स्टोरेज में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी इमेज को PNG में कैसे बदलें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। तो हमने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर हमें सर्च करना है बैकग्राउंड रेजर। तो चलिए यहाँ पर हम सर्च करते हैं बैकग्राउंड रेजर, पर पहले से सर्च किया हुआ है तो मैं यहीं से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर बैकग्राउंड इरेजर देख सकते हैं, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये कुछ इस तरीके का, आप इसका लोगो देख लीजिए, लोगो देखकर आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। भैया ओपन वाला जो आप जो बटन देख सकते हैं, हमें इस पर क्लिक करना है तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो मैंने बैकग्राउंड इरेजर को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर 5 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला हाउ टू यूज़, तो इसमें दूसरा ऑप्शन है FAQ, तो इसमें तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम आस्क, तो ये चौथा ऑप्शन है शेयर का। दोस्तों इसमें पांचवा ऑप्शन आ रहा है लोड ए फोटो। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी फोटोज आ जाएंगी। दोस्तों हमें लोड ए फोटो पर क्लिक करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। दोस्तों क्लिक करने के बाद हमारी सारी फोटो जो हमारी गैलरी में सेव है वो यहाँ पर आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब आपको जो भी आपकी फ़ोटो है वो आप PNG बनाना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कोई भी कार्टून इमेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्लाइड करता हूँ, मैंने ये थोड़ा स्लाइड कर लिया है, तो मैं ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर ली। तो इसके बाद इसका इंटरफेस कुछ तरीके का आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पर इसकी क्रॉपिंग करनी है, तो मैं इसकी क्रॉपिंग कर देता हूँ। दोस्तों क्रॉपिंग करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरीके का आ जाएगा। तो अब ये ऊपर डन का ऑप्शन दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इस डन के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हमें इसको इरेज करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इरेज करेंगे अब दोस्तों, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके बॉर्डर पर इरेज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसके बॉर्डर पर इरेज कर देता हूँ। तो इरेज करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके थोड़े से बॉर्डर पर इरेज कर दिया है, तो मैं बाकी के बचे हुए भाग पर इरेज कर दूंगा। दोस्तों आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये मैनुअल साइज है, इससे आप इस इरेजर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इसके बगल में जो एक ऑप्शन है वो इसलिए है, अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई है तो आप उस पर दबा के तो ये वो गलती आपकी मिट जाएगी। मैंने और इरेज कर लिया है, इसका छोटा सा पार्ट और बच गया, मैं इसे भी इरेज कर दूंगा। दोस्तों ये इमेज थोड़ी बिगड़ गई, लेकिन आप इसे बढ़िया तरीके से आप इसे इरेज कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर एक ऑप्शन है दोस्तों, ये कर्सर इफेक्ट्स है, इससे आपकी जो जो ये लाल डॉट आप देख सकते हैं वो दूर या नज़दीक ये कर देगा। दोस्तों ये मैंने पूरा इरेज कर लिया है, तो हालांकि ये थोड़े बिगड़ी है, पर आप इसे सही ढंग से इसे इरेज कर लीजिएगा। तो ये आप ऊपर डन का ऑप्शन देख सकते हैं, हमें इस पर क्लिक करना है। दोस्तों डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ऊपर आप सेव का बटन देख सकते हैं, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने से होगा ये कि हमारी जो ये PNG हमने तैयार की है ये हमारी PNG गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको अपनी गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ कि ये जो हमने PNG तैयार की है ये PNG हमारी गैलरी में सेव हुई या नहीं। तो मैं अपनी गैलरी ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों हमने जिस इमेज को PNG में बनाया था वो दोस्तों यहाँ पर उसका ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये वही इमेज जो हमने बैकग्राउंड इरेजर से इरेज की थी। दोस्तों ये हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है, तो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यही हमने बैकग्राउंड इरेजर से इरेज किया था और ये हमारी PNG बन चुकी है। आप ये बाकी के ये जो तीन इरेजर आप देख सकते हैं जो कि PNG बनाया था मैंने, तो ये दोस्तों ये मैंने पहले इरेज किया हुआ था। तो दोस्तों वो तो फर्स्ट वाला ऑप्शन था जो हमने अभी आपको करके दिखाया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।